सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस हेल्थ मिशन चैनल को और लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस हेल्थ मिशन चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी मेडिसिन के बारे में बताने वाला हूं जो बहुत ज़्यादा कारगर है, जो किडनी में स्टोन हो जाते हैं या गॉल ब्लेडर में पित्ते में स्टोन हो जाते हैं उसे निकालने में बहुत ज़्यादा कारगर है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ, ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन है बर्बरिस वुलगारिस। ये डॉक्टर रेकवेग कंपनी है जर्मनी की, इसको बनाती है बर्बरिस वुलगारिस। दोस्तों, इसके बारे में मैं बहुत दिनों से वीडियो बनाना की सोच रहा था, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है किडनी के स्टोन निकालने के लिए और पित्ते के स्टोन निकालने के लिए। क्योंकि किडनी की स्टोन तो निकालने के लिए बहुत सारी मार्केट में दवाई अवेलेबल हैं, लेकिन गॉल ब्लैडर जो होता है, पित्ता जो होता है, उसका तो ज़्यादातर केसेस में ऑपरेशन ही कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, ये एक मेडिसिन ऐसी है, अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो 99% चांसेस होते हैं कि पित्ते की पथरी भी आपकी निकल सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में और डिटेल्स बता देता हूँ। ये इसका जो MRP है मार्केट में 206 रुपये, 206 रुपीज़ की ये आपको मार्केट में मिल जाएगी। कहीं से भी आप इसको ले सकते हैं, सभी जगह ये दवाई आपको अवेलेबल मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात कि ये आपको दवाई ओरिजिनल डॉक्टर रेकवेग कंपनी की ही लेनी है, बाकी और किसी कंपनी की आप ना यूज़ करें। ये जो दवाई है ये मेड इन जर्मनी में बनाई जाती है और यहाँ पर इंपोर्ट की जाती है। तो दोस्तों, ध्यान रखें आप कि इस दवाई को जब भी आप ख़रीदें डॉक्टर रेकवेग कंपनी की ही ख़रीदें। अब दोस्तों, आपको करना क्या है, इसको किस तरीके से यूज़ करना है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप इसका ये जो कैप है ऊपर से ये खोल लीजिएगा, और इसमें एक ड्रॉपर लगा हुआ होता है, उसमें आपको एक ड्रॉपर लगा हुआ मिलेगा, और एक आधा कप पानी लेना है आपको। आधा कप पानी में 15 से 20 बूंदें आपको इसकी डाल लेनी है, और दिन में कम से कम 3 बार आपको ये यूज़ करनी है, 15 से 20 ड्रॉप। अब रेगुलर आप अगर इसका इस्तेमाल करेंगे, लगभग 3 से 4 बॉटल आप इसकी इस्तेमाल करें, तो आपकी जो है पथरी 99% केसेस में निकल जाएगी। क्योंकि हमने इसको बहुत लोगों पर आजमाया है, हम इसका आजमाया हुआ एक्सपीरियंस ही आपको हम बता रहे हैं। हमने बहुत लोगों को ये दवाई दी है और ज़्यादातर केसेस में उनकी पथरी निकल गई। और दोस्तों, एक बात और बता देता हूँ, ये डिपेंड करता है कि कितना वक्त लगेगा पथरी निकलने में। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि किस कितनी बड़ी पथरी है, छोटी है या बड़ी है। तो किसी की तो 1 या 2 बॉटल में ही निकल जाएगी, किसी के 4-5 बॉटल भी लग सकती हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना है, क्योंकि होम्योपैथिक जो मेडिसिन होती है वो थोड़ा देर से काम करती है, लेकिन काम जो करती है वो पूरा करती है। इसलिए मैं आपको यही राय दूंगा, थोड़ा पेशेंस रखें इस मेडिसिन को यूज़ करते वक्त। 4-5 बॉटल आप यूज़ कर सकते हैं इसकी। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इसको दिन में 3 बार यूज़ कर सकते हैं, और ज़्यादा लंबे समय तक आप इसको यूज़ करें, इसका कोई भी आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। सबसे ज़्यादा अच्छी बात जो होती है होम्योपैथिक मेडिसिन की, वो यही है कि किसी भी दवाई का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है दोस्तों। और दोस्तों, कुछ चीज़ों का हमें इसमें परहेज भी करना है। जैसे सबसे पहला है पालक, पालक हमें बिल्कुल भी नहीं खाना है। और दोस्तों, जो दूसरी चीज़ है वो है टमाटर, टमाटर भी हमें अपने खाने पीने से बिल्कुल हटा देना है। और जो तीसरी चीज़ है वो है चावल, चावल भी पथरी को स्ट्रांग बनाते हैं, इसलिए हमें चावल भी नहीं खाने हैं।
और जो अगली चीज़ है वो है मीट। मीट में सबसे ज़्यादा यूरिक एसिड होता है जो पथरी को स्ट्रांग करता है, और ज़्यादा कैल्शियम वाली चीज़ें भी हमें अवॉइड करनी है दोस्तों। और इसके अलावा कोई भी किसी भी तरीके की कैल्शियम टैबलेट भी हमें इसमें नहीं लेनी है दोस्तों। और दोस्तों जो चीज़ हमें अपने रूटीन में शामिल करनी है उसमें सबसे ज़्यादा हमें पानी पीना है, अधिक से अधिक पानी। जितना ज़्यादा पानी पियेंगे हमारी पथरी उतनी ज़्यादा जल्दी निकलेगी। और दोस्तों कुकम्बर खीरा भी पथरी को निकालने में सहायक होता है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियोस, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और इस तरीके का कोई अगर कोई लोग हैं, कोई पेशेंट है, तो आप उनको इस दवाई के बारे में बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों हमारी जानकारी को आप लाइक करेंगे और हमारे इस हेल्थ मिशन चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों कि हमारे इस हेल्थ मिशन की जो भी अर्निंग्स होगी उसका 50% गरीब लोगों के इलाज में लगाया जाएगा। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस मिशन को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, इससे ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों का इलाज हो सके और हम अपने मकसद में कामयाब हो सकें दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में। शुक्रिया दोस्तों।